टू जुडिशरी गोल्ड, मेरा नाम है अर्पिता और आज हम देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट की पढ़ाई शुरू कैसे की जाए, कौन सी बुक्स रेफर की जाए, मेंस की तैयारी कैसे की जाए, प्रीलिम्स की तैयारी की जाए एंड एवरीथिंग अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, आपकी एमपीसीजे की तैयारी करवाने के लिए जुडिशरी गोल्ड लेकर आया है मेंस बैच प्लस टेस्ट सीरीज। अगर आप दोनों ही लेना चाहें तो आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास समय नहीं है कि आप लाइव लेक्चर्स देखें तो आप JG1 भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव डीसीएस सेशन, मेंटरिंग सेशंस एंड मेनी मोर। जुडिशरी गोल्ड में एडमिशन लेने के लिए और स्कॉलरशिप जीतने के लिए आप AIJSAT यानी ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि होने वाला है अपकमिंग संडे को। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। कैसे स्टार्ट की जाए पढ़ाई फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट? इंडियन एविडेंस एक्ट आप लोगों ने अगर देखा है तो बहुत बड़ा एक्ट, बल्कि एक्ट नहीं है। हाउएवर इट इज स्टिल कंसिडर्ड अ मेजर एक्ट। तो मेजर एक्ट होते हुए भी इसमें बहुत ज्यादा सेक्शंस नहीं है, इसीलिए दिस सब्जेक्ट इज व्हाट विल गिव यू एज। CRPC, IPC ये बहुत बल्कि सब्जेक्ट्स है। दीज सब्जेक्ट्स हैव अप्रोक्सीमेटली 500 सेक्शन ईच, राइट? सो इसी वजह से अगर इंडियन एविडेंस एक्ट और CRPC का वेटेज सेम है तो जाहिर सी बात है इंडियन एविडेंस एक्ट में हम ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पढ़ाई शुरू कैसे की जाए, ये पार्ट जो है दिस विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। भले ही आप कॉलेज में हो, भले ही आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हो, ये वाला जो पार्ट है कि पढ़ना शुरू कैसे करना है, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो कैसे पढ़ना शुरू करना है, तो सबसे पहले ओरिजिनल सोर्स से ही शुरू करना चाहिए यानी बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट वन ऑफ दोज एक्ट जिनको आप सिर्फ बेयर एक्ट से ही कर सकते हैं, जिनके लिए आपको बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट के लिए आपको बुक्स रेफर करनी चाहिए। इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत ज्यादा सेक्शन क्योंकि नहीं है, लेकिन जो 55 तक सेक्शंस है उन सेक्शंस में बहुत ज्यादा डिटेल कॉमेंट्री मिलेंगी आपको बहुत सारी बुक्स में। तो इसीलिए आप स्टार्ट करिए बेयर एक्ट से। पहले बेयर एक्ट का मीनिंग समझ लीजिए। बेयर एक्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें अभी ना सोच के पूरा बेयर एक्ट एक बार खुद से पढ़ लीजिए। उसके बाद हम आएंगे बुक्स पे कि यहाँ पे फिर आपको एक बार बुक्स भी देखनी चाहिए स्पेशली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स है कौन से नहीं है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर से। जिस भी स्टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, वहां पे आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए और वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स तो आपको यूं ही समझ में आ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 14, 32। ये सेक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ही, इनके बारे में आपका नॉलेज डिटेल डेप्थ में होना चाहिए, तभी आप इसके प्रीलिम्स और मेंस के सवाल भी कर पाएंगे। तो पढ़ना पढ़ना शुरू कैसे करना है, बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट एक बार, एटलीस्ट एक बार तो सभी लोगों को पूरा पढ़ना चाहिए, एंड टू एंड पढ़ना चाहिए। इसके अलावा इसके बाद आप पढ़ेंगे इसकी कॉमेंट्रीज। अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नोट्स नहीं भी है तो बुक से अपने खुद के नोट्स बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम आते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। एक बार अगर आपका सब्जेक्ट हो गया है, एक बार अगर आपने बेयर एक्ट से अच्छे से पढ़ लिया है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने बुक से भी रेफर कर लिया है, इसके बाद आते हैं प्रीलिम्स की तैयारी पे। सिर्फ इतना कर लेने भर से प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होगी। अब आपको चाहिए रहेंगे MCQs। MCQs सॉल्व करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो इतना छोटा सा तो टॉपिक है, इस पे क्या ही सवाल आएगा, कैसा ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन दो ऑप्शंस के बीच में सही आंसर चूज करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट जब वो ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं। और ये चीज हर एग्जाम में, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम आप दे रहे हो, ये चीज हर एग्जाम में आप देख ही सकते हैं कि बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एंड दैट इज वाई MCQ की प्रैक्टिस, एक बार अगर आपका सब्जेक्ट हो गया है तो उसके बाद दूसरी बार जब आप रिवीजन करेंगे, एंड माइंड यू रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना रिवीजन के पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तब पढ़ने के साथ जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होते जाए वैसे वैसे MCQs लगाते जाए। MCQ के लिए आप कोई भी अच्छी बुक ले सकते हैं, यूनिवर्सल है, सिंगल है। इसके अलावा आप जिस भी स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं उस स्टेट में कुछ लोकल पब्लिकेशंस भी होते ही होंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट के सवाल तो आपको बहुत सारी जगहों पर मिल ही जाएंगे,
आप ऑनलाइन इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यूज आर अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल, तो एमसीक्यू साथ साथ में करते जाए, इसी तरीके से आप प्रीलिम्स कर पाएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स जिस भी स्टेट का आप दे रहे हो, और अगर आप किसी एक या दो या तीन स्टेट की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में से इंडियन एविडेंस आके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि एमपी का जो पेपर होगा वो छत्तीसगढ़ से इतना डिफरेंट होगा कि दोनों में सवाल मैच नहीं होते होंगे, जाहिर सी बात है ऐसा नहीं हो सकता, दोनों में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर आप एमपी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उससे आपकी सिर्फ एमपी की ही तैयारी होगी, प्रीवियस ईयर पेपर आप किसी भी स्टेट का सॉल्व करें उससे आपकी तैयारी ओवरऑल हो ही जाएगी। नाउ इसके बाद आते हैं मेंस की तैयारी पे, इसके लिए मेंस की तैयारी कैसे करें। तो मेंस की तैयारी सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही हो सकती है, देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करना होगा, और उन मार्क टॉपिक्स को आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिखना कैसे है ये डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का ये सवाल आ रहा है। अगर सवाल 8 नंबर का है तो आपको थोड़ा लेंदी आंसर लिखना है, लेकिन अगर सवाल 2 नंबर का है या 4 नंबर का है तो जाहिर सी बात है उतना कॉन्टेंट आप नहीं लिखोगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेशन ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। इसके अलावा यहाँ पे आपने जो नोट्स बनाए थे ना अपनी बुक से, वो नोट्स यहाँ बहुत काम आने वाले हैं, उन्हीं नोट्स को रेफर करिए। मेंस की तैयारी जब भी आप किसी भी स्टेट के लिए कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट में चाहे सवाल में केस लॉ पूछा हो नहीं पूछा हो, हर क्वेश्चन में आप एक या दो केस लॉस तो मेंशन करें ही। इंडियन एविडेंस एक्ट में तो प्लेथोरा ऑफ केसेस है, इस पूरे सब्जेक्ट में हर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज है, तो वो सारे केस लॉज तो नहीं लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज जो उस पॉइंट पे है, उन केस लॉज को आप पढ़ते जाए साथ में, उन केस लॉ को भी अपने आंसर में इंक्लूड करिए। हर आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, हर टॉपिक पे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ आंसर्स आप प्रैक्टिस करिए, कुछ आंसर्स को आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, कुछ आंसर्स जो है उनका सिर्फ सिनॉप्सिस बना लीजिए, यानी वो क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया गया तो उस आंसर में आप क्या क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे, डिफरेंसेस लिखेंगे, केस लॉज लिखेंगे, ये सारी चीजें आप एक बार उसमें सिनॉप्सिस में मेंशन कर लीजिए। इसके बाद कभी भी जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं मेंस के लिए तो सिर्फ लिखना काफी नहीं होगा, यहाँ पे बहुत जरूरी ये है कि आप किसी से फीडबैक ले, आपका कोई मेंटर, कोई फ्रेंड, कोई और फ्रेंड जो तैयारी कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसने ये एग्जाम निकाला हुआ है, उससे जरूर ये आंसर्स चेक करवाएं। बिना फीडबैक के अगर आप सिर्फ लिखते जाएंगे तो दैट एक्सरसाइज विल बी फ्यूटाइल, राइट? एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू गेट इट चेक्ड फ्रॉम समबडी। उसके लिए फीडबैक ले और उस फीडबैक को ट्राई करिए कि अपने आंसर्स में इंक्लूड करिए। इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जजमेंट राइटिंग में मार्शलिंग और अप्रिसिएशन का जब हम देखते हैं तब इंडियन एविडेंस एक्ट ही है जो आपके काम आएगा। रेस डेस्टे, कब आपको हियर से एविडेंस एक्सेप्ट करना है, कब नहीं करना है, सेक्शन 7, 8, 9, 14, 32, इनके अंदर एविडेंस अगर आ रहे हैं तो आपको उसे कितना वेटेज देना है, ये सारी ही डिटेल्स आपको इंडियन एविडेंस एक्ट से ही पता चलेगी। सो दिस एक्ट इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू विद द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, बट इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू इन जजमेंट राइटिंग एज वेल। एंड दैट इज वाई इस सब्जेक्ट को लाइटली नहीं ले, इस सब्जेक्ट को ये सोच के ना छोड़ दे कि बहुत छोटा सा तो एक्ट है जल्दी से हो जाएगा, इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कॉमेंट्रीज है, एंड वो जो कॉमेंट्रीज है उनको पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी अगर आप अपने कॉलेज में ही है, 4th-5th ईयर में है, तो आप कर सकते हैं, पूरी पूरी बुक अगर आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए आपने ड्रॉप लिया है या फिर आपके पास कुछ फिक्स नंबर ऑफ मंथ्स ही है प्रिपेयर करने के लिए, तो फिर आप पूरी पूरी बुक जाहिर सी बातें नहीं पढ़ सकते हैं, राइट? तो फिर ऐसे में कहाँ से पढ़े? तो सबसे पहला एंड द ओरिजिनल सोर्स इज द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड व्हेन आई से दैट आई मीन इंडेक्स एज वेल। इंडेक्स में कौन सा सेक्शन किस सेक्शन कौन सा सेक्शन कहाँ फॉल करता है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, कई स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट की डिटेल में चले जाते हैं। सेक्शन 6 पे अगर सवाल आया तो रेस डेस्टे के बारे में उन्होंने हिस्ट्री हिस्ट्री सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन अगर सवाल ये आ गया कि रेस डेस्टे दिया कहाँ है, तो
तो फिर उनसे नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने इंडेक्स पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया है। एंड दैट इज वाई आपको बेरक में इंडेक्स में भी पढ़ना चाहिए। इंडेक्स नोट्स बना लीजिए अपने अलग से। इंडेक्स नोट्स बेसिकली होता ये है, जहां पे इंडेक्स दिया हुआ है उस टॉपिक के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप इंडेक्स में ही लिख लेते हैं। दैट इज हाउ यू स्टडी, दैट इज हाउ यू मेक इंडेक्स नोट्स। ये करने से आपकी एक बार प्रिपरेशन ऐसे भी हो जाएगी क्योंकि आपने पूरा रीड किया हुआ है, दूसरी बार लिखते हुए हो जाएगी, और आप जब भी आपका जो लास्ट मिनट रिवीजन रहेगा, जो आप लास्ट डे पे करोगे, उसके लिए आपको पूरे नोट्स छानने की जरूरत नहीं है, पूरी बुक्स देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इंडेक्स देख के उसमें क्या की पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं आंसर में, वो आप पता कर सकते हैं। कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए? इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए कोई बहुत बल्की बुक लेने की जरूरत नहीं है। एंड आई से दिस बिकॉज बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस चीज में गलती करते हैं कि वो बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप रिसर्च रिसर्च एस्पेक्ट से बचिए, यानी रिसर्च करने जितनी डिटेल्स में जाने से बचिए। इतना पढ़िए जो एग्जाम में रेलिवेंट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही कि क्या पढ़ना है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। इसीलिए बहुत प्रिसाइज स्टडी करिए, बहुत रेलिवेंट चीजें पढ़िए। यहाँ पे बेरक आपको पढ़ना है। बुक्स में आप रेफर कर सकते हैं बटुक लाल या अवतार सिंह, दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी है। इसके अलावा किसी टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो फिर आप उसके लिए कोई भी वेबसाइट ट्राई कर सकते हैं। इंटरनेट पे आजकल हर चीज अवेलेबल है, हर चीज के ऊपर आपको डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे। किसी केस के बारे में अगर आपको लगता है कि इस केस के तो आपको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, तो डू रीड दोज फैक्ट्स फ्रॉम एनी वेबसाइट। मनुपात्रा हो गया, वेस्ट लॉ हो गया, इंडियन कानून हो गया, एनी लाइव लॉ, एनी थिंग जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है वहां से रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगेन, बहुत बल्कि बुक्स से रिसर्च करने से बचिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को देंगे तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स रह जाएंगे। तो इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए आप बेरक बुक्स इतना रेफर कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू की तैयारी करनी है तो एमसीक्यू के लिए आप सिंगल या यूनिवर्सल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी डिटेल में जाना है तो आप जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उस स्टेट के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स भी आप रेफर कर सकते हैं। सॉल्व पेपर रेफर करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सेम आंसर आप कॉपी कर ले, उस आंसर में आपका खुद का भी कुछ पॉइंट होना चाहिए। इसीलिए उस आंसर को रेफर कर लीजिए, उसमें देख लीजिए कि कौन सा सेक्शन, कौन से केस लॉज उन्होंने डाले हैं, लेकिन आंसर खुद फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जुडिशरी गोल्ड को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।